हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसके नोट्स हमने प्रिपेयर कर लिए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें क्या क्या बातें हैं, बेसिकली कुछ बेसिक्स हैं जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, वो हमारे सिलेबस से कट भी कर दिए हैं, तो वो आप एक बार खुद स्टडी कर लेना, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। जैसे हमारे पास डाल्टन की थ्योरी है, इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन, कैसे हमारे पास इनकी डिस्कवरी हुई, उसके बाद हमारे पास आते हैं एटॉमिक मॉडल्स, जैसे हमारे पास बेसिकली थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, ठीक है। तो ये सब बातें आप इजीली कर सकते हो। हम इसे आगे से कंटिन्यू करते हैं, तो कुछ बेसिक बातें हम स्टार्ट करते हैं इसकी। तो क्या है बेसिकली, जो हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, तो कोई भी एलिमेंट है उसको हम ऐसे लिख के दिखाते हैं, एक्स जेड ए। जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर आएगा, ए हमारे पास क्या आएगा, उसका मास नंबर। ये एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, उसका सिंबल है। तो हमारे पास कोई अगर न्यूट्रल एटम दिया हुआ है, उस केस में क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा क्या होंगे आपके पास, इक्वल आएंगे। क्योंकि आपको पता है अगर मास इसका कहाँ पे कंसेंट्रेट होता है किसी एटम का, सेंटर में, तो जो हमारे पास मास नंबर होगा वो किसके इक्वल आएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के इक्वल आएगा। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हो, वो क्या आ जाएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास मेन डिफरेंस हमारे पास कहाँ आने वाला है, जहाँ हमारे पास केस आएगा किसी एनायन का, हमारे पास केस किसका आ रहा है, किसी एनायन का या कैटायन का, वहाँ हमारे पास चीज़ें क्या आएंगी बेसिकली, वहाँ हल्का सा चेंज होगा आपके पास। जो एनायन होता है वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारे पास जितना चार्ज दिया होगा एनायन का, वही क्या हो जाएगा, उसके एटॉमिक नंबर में जुड़ जाएगा। जैसे ओ का मास हमारे नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो हमने दो क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, क्या हो गया आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे हमारे पास अगर कैटायन दे रखा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, जितना चार्ज होगा उतना ही। तो हमारे पास क्या है, 11 होता है, कितना हमारे पास, ये 10 के इक्वल आ गया। तो ऐसे आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप इजीली निकाल सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद आइसो सीरीज, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्या होती है आइसो सीरीज, तो हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है इसमें आइसोटॉप्स, ये तो आप जानते हो किसको बोलते हैं, आइसोटॉप, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। तो हमारे पास क्या हो गया, मास नंबर क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। जैसे हम बात करते हैं सिंपल सा, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तीनों में एलिमेंट सेम है, सेम एटॉमिक नंबर 111, ये मास नंबर क्या है, 1, 2 एंड 3। हमारे पास ये क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो हमारे पास ये सिंपली क्या हो गया आपके पास, एग्जाम्पल किसके, आइसोटोप के। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोबार की, आइसोबार क्या होते हैं, जहाँ पे मास नंबर सेम आएगा लेकिन क्या हो जाएगा, नंबर डिफरेंट हो जाएगा और एलिमेंट भी क्या आएगा, डिफरेंट। जैसे हमारे पास क्या है, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम, तीनों एलिमेंट डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर 18, 19, 20 तीनों के अलग अलग हैं, लेकिन मास क्या है, तीनों का 40, 40, 40 सेम है आपके पास। आइसोमर हमारे पास क्या होते हैं, आइसोमर हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास सेम आएगा, लेकिन डिफरेंट क्या आएंगी, स्ट्रक्चर्स हमारे पास आएंगे। जैसे मैंने ब्यूटेन की मैं बात करूँ, ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन आएंगे, मैंने स्ट्रेचिंग के फॉर्म में लिख दिया, या मैंने क्या किया, कार्बन 3 की चेन ले ली, एक कहाँ लगा दिया आपने, बीच में लगा दिया। तो हमारे पास क्या है, दोनों का फॉर्मूला ही क्या है, C4H10, लेकिन हमारे पास क्या है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास दोनों का हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला आया, वो हमारे पास क्या है अलग, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन या एन ब्यूटेन बोलते हैं, और ये हमारे पास क्या बोलेंगे, 2-methyl propane। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस, इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में कुछ नहीं, एन से ध्यान रखो, हमारे पास क्या आएंगे इसमें, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे हमारे पास कार्बन 614, ऑक्सीजन 86, मतलब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 40-6 8 आएगा, 16-8 कितना आएगा हमारे पास, 8 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं, जहाँ पे न्यूट्रॉन सेम आएंगे उसको हम क्या बोल देंगे, आइसोटोन्स बोल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, इसमें क्या होता है बेसिकली, द स्पीसीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, मतलब इसके क्या करना, आपको उनमें इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए हमारे पास। जैसे नियोन है, नियोन में 10 होते हैं, Na+, Na में होते हैं 11, एक प्लस का चार्ज एक कम करना पड़ेगा, 10 Mg2+, Al3+, Si4+, F- में होते हैं 9, एक ऐड हो जाएगा 10, O में 8, 8 को 10, N में 7, 7 3 10, मतलब सब में हमारे पास क्या आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमारे पास जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आएगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आए उसको हम क्या बोल देंगे, आइसोटोन्स बोल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोस्टर्स, इसमें क्या होता है, कंपाउंड विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम, एटम भी सेम मिलने चाहिए, साथ में इलेक्ट्रॉन भी क्या आए उसमें, सेम आए। तो हमारे पास जैसे N2O है और आपके पास CO2 है, तो एक इसमें दो N के एटम है, एक होगा, तीन एटम हो गए, यहाँ भी एक C का, दो हो के हमारे पास कितने एटम हो गए, 3।
हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, एक एन में होते हैं 7, दो में कितने हो जाएंगे 14, हमारे पास एक ओ में कितने होते हैं 8, 14 8 कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 22 हो गए। इसमें चेक कर लेते हैं, एक कार्बन में कितने होते हैं 6, एक ओ में हमारे पास कितने आएंगे 8, तो हमारे पास कितने हो गए 16 और 6 हमारे पास ये कितने हो गए 22। तो जहाँ पे एटम भी सेम इलेक्ट्रॉन भी सेम उसको हम क्या बोलेंगे सिंपली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट हमारे पास है आइसो डायफर्स। इसमें क्या होता है डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एलिमेंट डिफरेंट हैं लेकिन सेम वैल्यू किसकी आ रही है उनकी, दस है विच हैव सेम वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमारे पास एलिमेंट डिफरेंट हैं हमारे पास लेकिन इसमें सेम क्या आएगा, जो डिफरेंस है न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का वो सेम आएगा। अगर हम बात करें सिंपल सी तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो आप, एटॉमिक नंबर मास माइनस एटॉमिक नंबर ए माइनस जेड से निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसने क्या बोल दिया न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स क्या होते हैं जेड के इक्वल तो होते हैं, हमारे पास ये क्या हो गया ए माइनस 2z की वैल्यू जहाँ पे सेम आएगी उसको हम क्या बोलेंगे आपके पास है आइसो डायफर्स। हमने दो एग्जांपल दिए हैं F919, 1939 पोटाशियम, दोनों में हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जो इनका a माइनस 2z की वैल्यू है दोनों के लिए कितनी आ रही है 1 आ रही, तुम्हारे पास दोनों में क्या आ गया सेम आएगी वैल्यू हमारे पास किसकी a माइनस 2z की, हमारे पास दोनों क्या हो गए ये आइसो डायफर्स। नेक्स्ट हमारे पास दे रखे हैं कुछ रेंज दे रखी है आपके पास बेसिकली कि हमारे पास रेंज क्या होती है न्यूक्लियस की, हमारे पास ये इस रेंज का होता है -13 मीटर, डायमीटर क्या होता है -10 मीटर। तो हमारे पास ये बेसिक बातें हैं, हमें इनसे कोई खास मतलब नहीं है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, इसमें आगे क्या दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसमें हमारे पास क्या है एक वेव थ्योरी आई आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें क्या बताया आपके पास साइंटिस्ट ने कि हमारे पास बेसिकली जो एनर्जी एमिट होती है ना किसी भी सोर्स से वो एक तो होती है कंटिन्यूसली होती रहेगी हमारे पास, और किस फॉर्म में आती है वेव्स की फॉर्म में आती है, वेव्स निकलती है हमारे पास रेडिएशंस की फॉर्म में निकलती है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं। दूसरी बात क्या है हमारे पास जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो बनी होती हैं दो चीज़ों से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से एक मैग्नेटिक फील्ड से हमारे पास, और दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों ही क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं हमारे पास किसके जो उनकी डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में हमारे पास चीज़ चलती जा रही है उसके भी क्या मिलेंगे आपके पास परपेंडिकुलर मिलते हैं। अगली बात ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से हमारे पास जो कितनी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लास्ट पॉइंट हमारे पास इन्हें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपगेट करने के लिए। हमारे पास ये चारों पॉइंट्स क्या हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के रिगार्डिंग हैं कि हमारे पास एनर्जी एमिट होती है कंटिन्यूसली वेव्स की फॉर्म में आएगी जिसको हम क्या बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी, किसकी बनी होती हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की बनी होती हैं दोनों आपस में परपेंडिकुलर, और दोनों डायरेक्शन प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या आएंगी परपेंडिकुलर, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं और कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके रिगार्डिंग हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है इसमें वेवलेंथ। अगर मैं बात करूं आपके पास कोई वेव होती है वो कुछ इस तरह से आपके पास ट्रैवल करती है ये हमारे पास आएगी, तो हमारे पास क्या है वेवलेंथ क्या होगी, मान लो मैंने ये इसकी इसका सेंटर ले लिया या आपने इसका सेंटर ले लिया, तो ये जो डिस्टेंस आएगी इसको हम लैम्डा बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेवलेंथ, इनको हम कॉलेंगे क्रस्ट, इनको नीचे वाले हम क्या बोलते हैं टर्म, सारी बातें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। तो क्या बोल दिया डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ, नीचे वाले ट्रफ है हमारे पास ऊपर वाली क्या है क्रस्ट, तो दो साथ साथ ही कोई क्रस्ट ले लो या हमारे पास दो हम क्या ले सकते हैं ट्रफ, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास आएगी उसको भी हम क्या बोलेंगे लैम्डा, और इनको हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं क्या बोलते हैं इसको वेवलेंथ बोलते हैं हमारे पास। पहले इतनी बात ये डायग्राम के पास दिखा भी रखा है हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास ये क्या हो गई वेवलेंथ लैम्डा एंगस्ट्रम में नैनोमीटर में या इसको किस में लेते हैं हम पिकोमीटर में क्या करते हैं मेजर करते हैं। अगला क्या बोल दिया हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है बेसिकली डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, मैंने ये पॉइंट मान लो फिक्स कर दिया तो इस पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी वेव्स हमारे पास क्या कर रही हैं ट्रेवल कर रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, म्यू से लिख के दिखाते हैं यूनिट क्या होती है इसकी हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, या हम सिंपली इसको पर सेकंड भी शो कर देते हैं। वेलोसिटी स्पीड की बात कर रहे हैं हमारे पास कितनी डिस्टेंस मेजर की है हमारे पास 1 सेकंड में, तो उसको हम क्या बोल देंगे डिस्टेंस बाय टाइम, तो क्या होता है हमारे पास स्पीड होती है वेलोसिटी होती है, उसको हमने क्या बोल दिया वेलोसिटी, किससे लिख के दिखाएंगे सी से लिख के दिखाते हैं, किसमें मापते हैं इसको यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकंड, जो ये हाइट दिख रही है आपके पास इसको डेप्थ मान लो या प्रॉब्लम क्या मान लेंगे इसको हाइट मान लेंगे, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो क्या बोल दिया हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है बेसिकली हाइट ऑफ क्रस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ, उसको हम क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं, हमारे पास यूनिट क्या आएगी इसकी लेंथ की आएगी। वेव नंबर क्या है जो हमारे पास लैम्डा है उसका रेसिप्रोकल 1/λ, उसको हम क्या बोलेंगे वेव नंबर, तो क्या बोलते हैं डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर एंड आल्सो इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, 1/λ का क्या आएगा हमारे पास ये
रेसिप्रोकल आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं आपके पास। क्लियर इतनी बात। अगला हमारे पास क्या दे रखा है, टाइम पीरियड। टाइम तुम्हारे पास क्या है, टाइम टेकन फॉर वन वेव। हमारे पास किसी वन वेव के लिए कितना टाइम उसने लिया, किस चीज़ में, थ्रू वन पॉइंट पास होने में। हमारे पास थ्रू वन पॉइंट अगर वो पास हो रही है तुम्हारे पास क्या आएगा, टाइम पीरियड क्या होता है बेसिकली, फ्रीक्वेंसी का क्या आएगा, रिवर्स हमारे पास यहाँ पे आने वाला है। एक हमारे पास रिलेशन आता है यहाँ पे सिंपल सा, इन तीनों आपने पढ़ भी रखा होगा, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी वाई लैम्डा। इसके ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं सिंपल सिंपल से। हमारे पास इधर रखा है वेव नंबर निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ दे रखा है। तुम्हारे पास वेवलेंथ कितना है, लैम्डा दे दिया। वेव नंबर क्या आया तुम्हारे पास, वन बाई लैम्डा, उससे निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, म्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, तो सी आपको पता है, लैम्डा हमारे पास दे रखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन वगैरह ट्राई करना है इसके, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। विल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।